नमस्कार सबको। आज जो नए बच्चे आते हैं ना 8-10 साल के सीखने बेसिक, एक दो ड्रिल बताते हैं ऐसी जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं लड़के या लड़कियाँ 8-10 साल के जो कुश्ती सीखना चाहते हैं, उसके लिए हम एक दो ड्रिल बताऊंगे कि नए न्यू कमर को कौन कौन सी ड्रिल करवा गए हम शुरू करवा सका। तो सबसे पहले ये है, आमने सामने दोनों जो नए बच्चे हो जाएंगे उनको बोलो आमने सामने कुश्ती पोजिशन हो, तो एक तो वे चलते रहे ये सामने। और अब ड्रिल की क्या बात होती है, दूसरे का घुटना टच करना है और उस घुटने टच की प्रक्रिया के साथ साथ अपना भी पैर बचाना आपने। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, ये चलो ये लेकिन इसमें कमर झुकी रहेगी, इसका मेरा सिर का लेवल बराबर, कंधे का लेवल बराबर, ये पोजीशन। और आप खड़े रहो बेटे, जब मैं टच करूँ ना ये खड़े खड़े टच की अभ्यास नहीं करना है, कदम बढ़ा के टच करो, कदम बढ़ा के खड़े खड़े टच करेंगे तो हम दूर रहेंगे, लेकिन सिर्फ कदम से मैं अपोनेंट के नज़दीक हो जाऊँगा। टच और इसके साथ पैर टच कर बेटे, ये दूसरा ये। अब इसके साथ साथ मैंने भी अपना पैर भी बचाना है और टच भी करना है, चलो ये ये ये। इसमें सबसे खास बात है कमर झुकी रहेगी, कई बार हम ये टच कर ले देते हैं खड़े खड़े, एकदम टच किया और खड़े हो गए, नहीं कमर का अभ्यास बनाएंगे नए बच्चों का कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मिनट के सेट करें और ये पोजीशन रहे, ये कदम बढ़ा के टच ये टक्कर नहीं मारनी, सिर डाउन टच। ये बहुत बढ़िया ड्रिल है नए बच्चों के लिए, जो भी 8-10-12-14 साल के करना चाहते हैं, इससे शुरुआत करेंगे तो फुट मूवमेंट बनेगा, पैरों की मूवमेंट पड़ेगी, ये बहुत बढ़िया ड्रिल है। इसके साथ साथ एक ड्रिल और है जो बच्चों की, पीछे दोनों हाथ बांध लेंगे और जंप शुरू करेंगे और सिर्फ पैर टच करना है, ये नहीं मारना जोर से, ये नहीं मारना हिट नहीं करना, ना किक है, सिर्फ टच। इसने वही है जैसे जब हमने घुटने टच किए थे और अपना पैर बचाया था, इसमें पंजा टच करना है और अपना पैर बचाना है, लेकिन इसमें साथ साथ क्या रह गया, इसमें कमर सीधी है और जंप कंटिन्यू है, जंप अपना पैर बचाओ सीधा, सिर्फ मैं टच कर रहा हूँ, यस बहुत बढ़िया, अपना पैर बचाना टच करो, जंप ये रेसलिंग मूवमेंट के लिए ये ड्रिल बहुत बढ़िया, ये दोनों जो भी हमारे न्यू कमर है ना उनको हम जो 8-10-12 साल के बच्चे लड़के लड़कियां हैं उनके लिए, आप दोनों एक बार में दोबारा करके दिखा देते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन और ध्यान रखना है, तो नए बच्चों को करवाओगे तो रेसलिंग मूवमेंट करने में ज़्यादा आसानी होगी उनको, वही ध्यान रखना है कमर झुकी हुई, जब कमर झुकी हुई ना तो हमारी पोजीशन रेसलिंग मूवमेंट क्या होगा, कंधा घुटना और पंजा, अगर तीनों की एक लाइन है ना तो हमारी रेसलिंग मूवमेंट ओके है, कंधा घुटना और पंजा, अगर ये बॉडी की वो स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल परफेक्ट रेसलिंग मूवमेंट है। फिर ध्यान दो कंधा घुटना और टो, ये पोजीशन एक ये मूवमेंट ये पैर हर बार हाथ के साथ पैर के साथ हाथ के साथ पैर और पैर के साथ हाथ, ये रेसलिंग मूवमेंट अगर ये करेंगे ना तो हमें क्या, जब भी हम थोड़े दिन बाद जब अटैक सीखेंगे हाथ के साथ पैर चलाएगा या पैर के साथ हाथ चलाएगा तो हम अपोनेंट के नज़दीक जाके अटैक मारने की हमारी हैबिट हो जाएगी।
हमेशा कम्बिनेशन हो जाएगा हाथ पैर का। और पहली ड्रिल तो ये है और दूसरी वही दूसरी जंप, इसमें हमारा अटैक भी आ गया। और ये दोनों ड्रिल ऐसी है जिसमें अटैक भी सीखते हैं और डिफेंस भी। जंप, अपना पैर सिर्फ टेप करना है, टच, ये मारना नहीं है, हिट नहीं करना है, चोट लगती है नहीं। वो जंप करते रहो, सामने देखते रहो, ये अपना पैर बचाओ, चलो टच कर अपना पैर, घूमते रहो, कुश्ती मूवमेंट। ओके, ये थी दोनों ड्रिल नए बच्चों के लिए, ये सीखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।